नमस्कार दोस्तों, ग्रेटर नोएडा और यमुना सिटी से जुड़ी बड़ी खबर है। यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास विकसित होने वाले लॉजिस्टिक एव वेयर हाउसिंग हब को रेल मार्ग से जोड़ा जाएगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। परियोजना की DPR बना रही कंपनी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट यमुना प्राधिकरण को सौंप दी है। कंपनी ने इस हब को दिल्ली पलवल रेल मार्ग से जोड़ने का सुझाव दिया है। कंपनी अगले महीने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सौंप देगी। अगर इस सुझाव पर अमल होता है तो एयरपोर्ट के पास तक रेल की एक और लाइन पहुंचेगी। इससे उद्योग और व्यापार को खास लाभ मिलेगा। यात्रा के लिहाज से भी यह महत्वपूर्ण होगा। यमुना प्राधिकरण मास्टर प्लान फेज 2 में मथुरा के रारा हेरिटेज सिटी व टप्पल में लॉजिस्टिक वेयर हाउसिंग हब विकसित करने जा रहा है। प्रदेश सरकार फेज 2 के मास्टर प्लान को पहले ही स्वीकृति दे चुकी है। टप्पल में बनने वाले लॉजिस्टिक वेयर हाउसिंग हब की DPR बनाने का जिम्मा यमुना प्राधिकरण ने डिलाइट कंपनी को दिया है। इस कंपनी ने यमुना प्राधिकरण को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। इस हब को रेल व सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। प्राधिकरण को सौंपी प्रारंभिक रिपोर्ट में कंपनी ने इस हब को दिल्ली पलवल रेल मार्ग से जोड़ने का सुझाव दिया है। करीब 16 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बनाकर रेल कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इसके अलावा ईस्टर्न व वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर से जोड़ने की योजना है। लॉजिस्टिक हब को वर्तमान में यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी मिल जाएगी। प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया गया है कि टप्पल अलीगढ़ राज्य राजमार्ग का चौड़ीकरण किया जाएगा। इससे सड़क मार्ग के विकल्प और बढ़ जाएंगे। यमुना प्राधिकरण इस परियोजना के लिए लैंड पुलिंग से जमीन लेने की तैयारी में है। इस साल में लैंड पुलिंग नीति के तहत टप्पल में जमीन खरीदने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक इसके लिए किसानों से वार्ता की जाएगी। उन्हें लैंड पुलिंग की नीति के बारे में बताया जाएगा। यह हब जेवर एयरपोर्ट के नज़दीक टप्पल में विकसित किया जाएगा। टप्पल शहरी केंद्र में मिश्रित भू उपयोग गतिविधियों के लिए सेक्टर आरक्षित है। अधिकारियों के मुताबिक जरूरत पड़ी तो लॉजिस्टिक हब के नियमों में जरूरी बदलाव किया जाएगा। यमुना प्राधिकरण टप्पल बाजना में 11,104 हेक्टेयर में लॉजिस्टिक हब विकसित करेगा। यह इलाका जेवर एयरपोर्ट के पास है। अधिकारियों ने बताया कि यहां 1794 हेक्टेयर क्षेत्र उद्योगों और 1608 हेक्टेयर मिश्रित भू उपयोग के लिए आरक्षित है। इस शहर को 35 सेक्टर में बसाया जाएगा। इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस प्रोजेक्ट को यथाशीघ्र पूरा कराना चाहते हैं। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।